हेलो दोस्तों, आज हम बैक पार्ट के ब्लाउज के डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो हमने इसमें शोल्डर रखा है 6.5। 6.5 पर ही हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स तैयार कर देंगे। इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद इसको राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से गोल कर देंगे। तो अब हम चेस्ट पर चलेंगे। तो हमने इसे 32 इंच का बनाया, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच बढ़ाया है यहाँ पे, और कमर 30 है तो 7.5 ले लेंगे, और जितना हमने ऊपर बढ़ाया उतना हम नीचे बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद अब हम गले की चौड़ाई रखते हैं। तो मैंने इसमें 4 इंच रखी है गले की चौड़ाई। यहाँ से मैंने 5 इंच बढ़ाया गले की लेंथ को, और इसका राउंड शेप देते हुए इसे मैं गोल शेप दूंगी इस तरह से। इस तरह से देने के बाद अब हम शोल्डर को भी डाउन करना है हमें इस तरह से। डाउन करने के बाद मैं इसमें एक डिज़ाइन बना रही हूँ इस तरह से। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनता है ब्लाउज में जब कंप्लीट हो जाती है हमारी ब्लाउज सिलकर। इस तरह से तो पहले हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। क्या करेंगे हम इसे सीधा कर देंगे, सीधा रख देंगे इस तरह से, और जो हमने डिजाइन ये काटा है उस पर ही हमें कटिंग करनी है। इस तरह से और यहाँ से इस तरह से आएगा एक तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेस लगाना है ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा लेस लगाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी लेस लगाएंगे। तो हमारा इस तरह से ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका सेप बनने के बाद इस तरह आएगा, ये एक एक ही तरफ आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।